हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आईटीआई सीबीटी एग्जाम 2021 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं आप सभी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एनुअल सिस्टम में जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था, एनुअल मतलब वार्षिक सिस्टम, और ये जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये हुआ था सन 2018 से। तो 2018 और 2019, 2018 में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके सेकेंड ईयर के एग्जाम, और 2019 सेशन वाले स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर के एग्जाम। तो दोस्तों, यहां पे क्या होता है, आप सभी को पता होगा, ड्यू टू कोरोना, कोविड के कारण, कोरोना के कारण जो है 2018 सेशन वाले सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स और 2019 सेशन वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के जो एग्जाम्स है वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। और इन सभी स्टूडेंट्स के जो एग्जाम है दोस्तों, आप सभी को ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म किया था कि अगस्त 2021 के अंतर्गत जो है ये स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ये अगस्त 2021 में स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे मैं आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बिल ऑफ मटेरियल जो है, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल लिस्ट कहते हैं, वो जारी हुई है। तो आज के इस वीडियो में मैं उस रॉ मटेरियल लिस्ट से ही जो है आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उसी के बारे में डिटेल शेयर करूंगा। रॉ मटेरियल लिस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे उनमें कौन कौन से संभावित प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, कौन कौन से औजार वगैरह, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनकी आप लोगों को आवश्यकता है, तो वो सारी चीजें जो है इस रॉ मटेरियल लिस्ट में दी हुई होती है। तो ये जो रॉ मटेरियल लिस्ट है अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, ये है बिल ऑफ मटेरियल, BOM। देखो ये 2021 में जारी हुआ है दोस्तों, बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब है प्रैक्टिकल कौन कौन से आने वाले हैं आपके, ठीक है। यूँ मान लो, आप तो इतना समझ लो, प्रैक्टिकल के लिए जो भी आपको सामान चाहिए ना, उसकी लिस्ट को बिल ऑफ मटेरियल लिस्ट बोलते हैं। रिक्वायर फॉर ईच ट्रेनी फॉर द फॉलोइंग ट्रेड्स ड्यूरिंग द ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर क्राफ्टमैन एनुअल पैटर्न। क्राफ्टमैन यहाँ पे एनुअल पैटर्न है, अंडर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। एनुअल पैटर्न मतलब जो वार्षिक पद्धति वाले स्टूडेंट है उन्हीं के लिए है दोस्तों। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम CTS, CTS का मतलब है दोस्तों आपके जो ITI है वही है एक तरीके से। टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021, ये बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगस्त 2021 मतलब अगस्त में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मैकेनिकल डीजल, यहाँ पे देखो फर्स्ट है मैकेनिक डीजल, मैकेनिक डीजल के ये हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के, ठीक है। डीजल मैकेनिक के आप लोग देख पा रहे हो, आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑल रेंज, वर्नियर कैलिपर, एयर कंप्रेसर, एयर ब्लो गन, मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन इन रनिंग कंडीशन, तो ये सारे के सारे क्या हैं, मैकेनिकल ब्रांच के लिए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे मैकेनिकल। फिर इसके बाद में ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन सिविल फर्स्ट ईयर का ये ड्राफ्टमैन सिविल। इसके बाद में ड्राफ्टमैन सिविल सेकेंड ईयर, यहाँ पे देखिए दोस्तों सेकेंड ईयर का भी है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिनके भी एग्जाम सभी पेंडिंग है उन सभी के लिए। नेक्स्ट आ गया दोस्तों इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर। तो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में देखो दोस्तों, मीटर, ये मिली एम्पियर मीटर है दोस्तों, मिली एम्पियर मीटर 0 से 30 मिली एम्पियर, 0 से 500 मिली एम्पियर, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई चाहिए, रेसिस्टर चाहिए 1 किलो ओम का, लग्स चाहिए। लग्स आप सभी को पता होगा, जैसे कोई केबल वगैरह है उसका अंतिम सिरे को किसी बोनट वगैरह से कसने के लिए लग्स जो है वो फिट किए जाते हैं। पेज कोर्स है, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर है, कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर ये अलग अलग रेंज के, वाट मीटर, एमीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, कॉम्बिनेशन प्लायर, नियॉन टेस्टर, ट्रांसफॉर्मर है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, नाइफ स्विच है, कनेक्टिंग केबल्स है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, वायर स्ट्रिपर है, MI टेस्ट वोल्ट मीटर है, स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर है, रियोस्टेट है, वेरियक है, कनेक्टिंग लीड्स है, स्क्रू ड्राइवर है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। दोस्तों ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इन इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है आप लोगों के बन सकते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका जो है मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो आप लोग जो है जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल,
और साथ ही साथ यदि फर्स्ट टाइम कोई इस YouTube चैनल पे आया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, आपको जो भी हम अपडेट लेके आएंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिंग लीड्स है, स्क्रू ड्राइवर, कॉम्बिनेशन प्लायर, एमआई एमीटर, मूविंग आयरन है, एमआई का मतलब होता है मूविंग आयरन, वोल्टमीटर, टीपीएन स्विच, लैंप 100 वाट, ये 100 वाट का 200 वाट के लैंप चाहिए, कनेक्टिंग लीड्स चाहिए, तो इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, लॉन्ग नोज, लॉन्ग राउंड नोज प्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इलेक्ट्रिक नाइफ, ये टेस्ट लैंप, तो ये सारे के सारे क्या आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रीशियन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारे के सारे गिवन है, ठीक है, ड्रिल बिट वगैरह। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे अभी भी इलेक्ट्रीशियन के हैं, स्टील रूल वगैरह, स्टील रूल मतलब स्केल वगैरह, पीवीसी बॉक्स वगैरह है। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, ये आ गया दोस्तों इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर। तो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन नाइफ है, रिवोल्यूशन काउंटर है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, एमसी एमीटर है, डीसी संट जनरेटर है, रियोस्टेट, नाइफ स्विच, लैंप, सारे के सारे आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दे रखे हैं। ड्यूल स्टार्टर है आप लोगों के, पीवीसी इंसुलेट, सिंगल फेज, सिंगल स्ट्रैंड कॉपर केबल, पावर केबल सिंगल स्ट्रैंड, जीआई वायर है, सोल्डरिंग आयरन है, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, लग, डायोड, रेसिस्टर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मल्टी स्ट्रैंड वायर। तो ये जितने भी आप लोग देख पा रहे हो ये अभी सेकेंड ईयर के हैं, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर ट्रेड, राइट। इसके बाद में दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के हैं, डिजिटल मल्टीमीटर वगैरह, ये रेसिस्टर वगैरह, टॉगल स्विच वगैरह, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के हैं, सीआरओ भी है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के ही हैं सेकेंड ईयर के, अभी जो ऊपर वाले हैं ये फर्स्ट ईयर के हैं और ये किसके हैं सेकेंड ईयर के हैं। सेल फोन है, पर्सनल कंप्यूटर वगैरह है, यूएसबी केबल वगैरह है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के। ये दोस्तों मैकेनिक मोटर व्हीकल MMV, मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर के हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, पिस्टन रिंग, ये सारे के सारे फर्स्ट ईयर के हैं अभी तक, ये फर्स्ट ईयर के जो भी आप देख पा रहे हो ये फर्स्ट ईयर के हैं। ये सेकेंड ईयर का यहाँ पे स्टार्ट हुआ है दोस्तों। स्कैन टूल, मल्टीमीटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये सेकेंड ईयर का है। इसके बाद में देखे दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें सेकेंड ईयर है। ऑटो वायर इन डिफरेंट साइज, ये है दोस्तों मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। तो टेस्ट कॉर्ड है, टेस्ट लैंप विद होल्डर है, सोल्डरिंग फ्लक्स है, टर्मिनल क्लिप्स है, इंसुलेशन टेप है, वायर इच कलर RBZ, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर है, यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ रिलेज है, PTCR करंट कोयल, OLP है, रबर गैसकेट विद मैग्नेटिक स्ट्रिप है, फिलर गैस है, डोर स्विच है। ये सारा का सारा क्या है, बिल ऑफ मटेरियल आपके मैकेन, ये फर्स्ट ईयर का था दोस्तों, ये है आप लोगों के सेकेंड ईयर के लिए। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन ऑयल, गैसकेट, कॉटन वेस्ट, बनियान वेस्ट, केरोसिन ऑयल, डीजल, क्लीनिंग सॉल्यूशन, डिस्केलिंग पंप सेट, डाइल्यूट HCl एसिड, ये सब इक्विपमेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों वायरमैन, वायरमैन फर्स्ट ईयर ट्रेड के लिए देखिए कौन कौन से हैं। वायरमैन फर्स्ट ईयर ट्रेड के लिए यदि हम बात करें तो इंसुलेट कॉम्बिनेशन प्लायर, डबल ब्लेड नाइफ स्विच, लॉन्ग नोज प्लायर, स्टील रूल, हैंड वाइस, वुडन मैलेट, फ्लैट नोज प्लायर, पीवीसी इंसुलेटेड, सैंड पेपर, कॉटन क्लॉथ, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, इलेक्ट्रीशियन, स्क्रू ड्राइवर, कनेक्टर, स्क्रू ड्राइवर, तो ये सब क्या है वायरमैन ट्रेड के लिए है, वायरमैन फर्स्ट ईयर। MC वोल्टमीटर है, मूविंग कोयल, MC का मतलब है मूविंग कोयल, ICT पैरन क्लेट, ट्रिपल पोल, PVC वगैरह, केबल्स वगैरह, SP सिंगल पोल, तो ये सारे के सारे वायरमैन फर्स्ट ईयर ट्रेड के थे। ये हैं दोस्तों वायरमैन सेकेंड ईयर ट्रेड, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, डबल ब्लेड नाइफ, लॉन्ग नोज प्लायर, इलेक्ट्रिशियन स्क्रू ड्राइवर, कनेक्टर स्क्रू, वायर स्ट्रिपर, नियॉन टेस्ट लैंपर, नियॉन लाइन टेस्टर, डिजिटल मल्टीमीटर, डायोड, MI वोल्टमीटर, MI एमीटर, तीन फेज लैंप, डिजिटल मल्टीमीटर, ये सब किसके लिए हैं वायरमैन सेकेंड ईयर ट्रेड के लिए। ये देख रहे हो PVC इंसुलेटेड कॉपर, ये सब थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये वायरमैन सेकेंड ईयर के लिए हैं। ये जितने भी आप लोग देख पा रहे हो ये वायरमैन सेकेंड ईयर, ये है दोस्तों फिटर के।
फिटर फर्स्ट ईयर, एम एस फ्लेट 6x40x10 mm, फर्स्ट ईयर में देखो एक ही चीज़ दे रखा है, सेकेंड ईयर में एम एस फ्लेट 60x50x10 mm ये दे रखा है फर्स्ट ईयर और ये है सेकेंड ईयर। इसके बाद में दोस्तों वेल्डर ट्रेड के लिए, वेल्डर ट्रेड के लिए आप लोग देख पा रहे हो GMAW प्लांट विद नेसेसरी मटेरियल, ये सारी की सारी जो लिस्ट है ये पूरी की पूरी किसके लिए है, वेल्डर सेकेंड ईयर के, ठीक है, वेल्डर ट्रेड के लिए। तो वेल्डर जो है एक ही साल का होता है तो एक साल के लिए है ये कंप्लीट। यहाँ पे देखो दोस्तों नोट पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऑल टूल्स इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स एज पर सिलेबस ऑफ द ट्रेड शुड बी केप्ट रेडी इन वर्किंग कंडीशन। ये सारे के सारे जो भी टूल्स हैं ये सभी ITI कॉलेजेस में वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, मतलब इन्हीं से रिलेटेड आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम आएगा। तो सभी ITI स्टूडेंट्स को जिनके एग्जाम्स अगस्त में होने वाले हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाइए, एग्जाम्स की तैयारी करें ताकि उनके कोई बैक पेपर ना रहें, बढ़िया से अच्छे से मार्क्स मिले उनको। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो दोस्तों मैं आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, जैसे मान लो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है या फिर वायरमैन है, जो भी जिन ट्रेड्स का मेरे को नॉलेज है उन ट्रेड के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल एग्जाम्स, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरह के क्वेश्चन उनके आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।